वालेकुम अस्सलाम। खालिद साहब जो का मुलाकात थी है केड़ा खदशा जाहिर कया वया है जो यूआईएफ जे सरबराह पारा काफी वक्त का वठी असा पांजे खदशात जो मुसलसल पे इजहार कयो है पार्लियामेंट जे फ्लोर ते भी सदर साहब सा रूबरू मुलाकातन में भी प्राइम मिनिस्टर साहब सा रूबरू मुलाकातन में भी असा बार बार वरजायो है पांजन गालिन के नई गाल असा काप कान कई है वे पुरानी गालियों हैं जैसे गुजर इलेक्शन का पो पीपल्स पार्टी की क्यादत असा के हुकूमती इतिहाद में शामिल थियण की दावत दिनी तो उन वक्त असा जो पीपल्स पार्टी की क्यादत सा तहरीरी मुआहिदो थे हो असा समझूं था तो पीपल्स पार्टी की क्यादत उन मुआहिदे से अमल कोन भी करे इन करे असा बार बार पीपल्स पार्टी के आला क्यादत के यो पे है तो उन मुआहिदे से अमल कर छो तो असाजे मथा पांजे पार्टी कारकुनन जो भी जोर है अड़ी तरह से पब्लिक भी असा का पुछे पी वक्तन फ वक्तन असा पांजू गालू क्यों वक्तन फ वक्तन हुकूमत के तरफा यानी पीपल्स पार्टी के तरफा को मानू आयो है गाल कर असा पांजू सागू गालू वरजायू है का नई गाल कान्ह कई कुछ वक्त अग में मखदूम अमीन फहीम साहब जन आया हा उन वक्त भी मौलाना जन सागू गालू क्यों जे असा अग में सदर साहब के सामू रखू हूं प्राइम मिनिस्टर साहब के सामू रखू हूं कलेक्टर जो रहमान मलिक साहब जन आया हा उनके सामू भी मौलाना सागू गाल रखू अज एक दफो वरी मखदूम अमीन फहीम साहब जन तकलीफ कर आया हा मौलाना जन वट मौलाना जन अज भी उनके सामू सागू गाल रखू हैं तो जो पीपल्स पार्टी के क्यादत असा मुआहिदो कर उन मुआहिदे से अमल थे घुर्जे डॉक्टर साहब आवाज़ में।